थॉमस एडिसन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक आविष्कार किए। बचपन से ही वे अन्य बच्चों से भिन्न थे। भला कैसे? आइए पढ़ें। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने एक बालक की माँ को विद्यालय में बुलवाया और उसके बेटे की शिकायत करते हुए कहा, आपके बेटे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। मुझे उसके अध्यापकों ने बताया है कि वो कक्षा में गुमसुम बैठा रहता है। ऐसा लगता है मानो हर समय कुछ सोचता रहता है। क्या घर पर भी इसका व्यवहार ऐसा ही है? जी, घर पर भी इसी प्रकार का व्यवहार करता है। न खाने पीने का ध्यान देता है, न खेलता कूदता है और न ही अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जाता है। हाँ, कुछ शीशियां जरूर उलटता पलटता रहता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करता है। कभी कभी तो खाना पीना भी भूल जाता है। बालक की माँ ने उत्तर दिया, फिर तो इसका उत्तीर्ण होना मुश्किल है। प्रधानाचार्य जी बोले, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? माँ ने पूछा। बालक की माँ को अपने बेटे के बारे में इसी प्रकार की शिकायतें मिलती रहती थीं। माँ ने उस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। अध्यापिका होने के कारण उसने जल्दी ही निष्कर्ष निकाल लिया कि बालक में बहुत प्रतिभा है, वह कुछ करके दिखाना चाहता है। माँ ने उसे रोकना टोकना छोड़ दिया और उसका उत्साह बढ़ाना शुरू कर दिया। माँ जानती थी कि वह बड़ा होकर जरूर महान व्यक्ति बनेगा। जानते हो वो बालक कौन था? उस बालक का नाम था एडिसन। एडिसन का पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। वह अमेरिका का रहने वाला था। एडिसन की माँ अध्यापिका थी और पिता सेना में कप्तान थे। पढ़ाई में रुचि न होने के कारण उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। 12 वर्ष का होने पर उसने अखबार बेचने का काम शुरू किया। वह रेलगाड़ी में अखबार बेचा करता था। जो कमाई होती उसे विज्ञान के प्रयोगों में खर्च कर देता था। थोड़े दिनों बाद वह रेलगाड़ी में साग सब्जियां भी बेचने लगा। 12 वर्ष के बालक को इतने परिश्रम का काम करते देखकर सब चकित हो जाते थे। रेलगाड़ी के एक डिब्बे में ही उसने अपनी प्रयोगशाला बना ली थी। एक दिन की बात है, वो प्रयोग कर रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बे में फास्फोरस गिर जाने से आग लग गई। आग तो बुझा ली गई, मगर गाड़ी की गार्ड ने क्रोधित होकर एडिसन के कान पर इतना जोर का तमाचा जड़ दिया कि उसके कारण उसे ऊंचा सुनाई देने लगा। उसे गाड़ी से भी उतार दिया गया। बालक तमाचा मारे जाने से प्रसन्न हुआ, दुखी या निराश नहीं हुआ। चलो अच्छा हुआ, तमाचा मारे जाने से मुझे ऊंचा सुनाई देने लगा है, इसलिए अब बेकार की बातें मुझे सुनाई नहीं देंगी। एडिसन ने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। एक दिन फैक्ट्री की एक मशीन खराब हो गई, जिसे कोई भी कारीगर ठीक नहीं कर पाया। एडिसन ने मालिक से कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसे ठीक करके देखूं। मालिक ने अनुमति दे दी। एडिसन ने वह मशीन ठीक करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। मालिक इस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने एडिसन को मशीनों का काम सौंप दिया। अब एडिसन इन मशीनों का प्रयोग करने लगा। एडिसन ने प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं की खोज की। उसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। गर्मियों में हवा देने वाला बिजली का पंखा भी सबसे पहले एडिसन ने ही बनाया। एडिसन ने अपने प्रयोग जारी रखे और एक के बाद एक आविष्कार करता चला गया। ग्रामोफोन का आविष्कार भी एडिसन ने ही किया। उसी ने रेलगाड़ी को भाप के इंजन की जगह बिजली के इंजन से चलाया। पहले सिनेमा में केवल चलती फिरती तस्वीरें होती थीं। वे मूक थीं, बोलती नहीं थीं। उनमें आवाज भरने का आविष्कार भी एडिसन ने ही किया।
इसी प्रकार बेतार का तार, कैमरा, टाइपराइटर तथा टेलीफोन को भी उन्होंने अधिक उपयोगी बनाया, तेज आवाज वाला टेलीफोन बनाया। आज थॉमस एडिसन हमारे बीच नहीं है, पर उनके द्वारा बनाया गया बिजली का बल्ब प्रकाश फैलाकर मानो उन्हीं का नाम अमर कर रहा है। संसार उनका ऋणी है।